friends, welcome to India Food and Fashion. In today's video, I will share my Club Factory haul. And thank you so much. आपने first part को Club Factory haul के बहुत like किया है. And that's why today I am sharing the Club Factory part haul too. Now, first of all, I will start with those products which I got absolutely free. Yes, I am saying right. I got some products absolutely free, of course, and they are worth buying it. So I'm so happy to got those products free, of course. So first of all, I will share the first product which I really like is this wallet. Actually, Club Factory में उस time scheme चल रही थी कि spin the wheel की. तो spin the wheel में जो भी एक product आता, वो आपको free of cost मिल जाता. And definitely, I got this wallet and I was so happy to got this. एक तो इसके wallet की qualities बहुत अच्छी है. I'm not talking about the bags. हर bag की quality इतनी अच्छी नहीं है, but wallets की है. इसमें डेफिनेटली काफ़ी स्पेस ही है, आप अपने कैश रख सकते हो, इवन कार्ड्स के लिए अलग से पॉकेट्स बना रखी हैं इन्होंने, तो ये भी बहुत अच्छा है. एंड इसका जो स्टाइल है ना, हर बार कुछ अच्छा और अलग यूनिक ही होता है. इट्स नॉट लाइक मेरे पास जो पिछला वाला वॉलेट था पीच कलर का, वो भी बहुत अच्छा था, उसका स्टाइल भी अलग था ओपन करने का, एंड इसका भी डिफरेंट है. बट इस बार क्या था, आप एक साथ सिर्फ एक फ्री गिफ्ट नहीं ले सकते, आपको दो गिफ्ट लेने के चांस मिलेंगे. एंड दूसरे वाले के लिए वही लाइक वाला प्रोसेस था जो उससे पहले वाली मेरी फर्स्ट हॉल में मैंने बताया था. एंड द सेम वे इस समय मैंने लाइक में ये स्वेटशर्ट ली है. मैं इसको ऑलमोस्ट 7-8 टाइम्स पहन चुकी हूँ. हाँ, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि इसमें रुएं आने स्टार्ट हो गए हैं, बट लुक इसका डिज़ाइन, इसका कलर, इसकी फिटिंग, इट वॉज सो गुड. एंड डेफिनेटली थोड़ा सा ओवर साइज ही था क्योंकि मुझे उस समय साइज का एग्जैक्ट आइडिया नहीं लग रहा था, बट विंटर में तो थोड़ा ओवर साइज ही कपड़े चलते हैं, तो इसलिए मुझे ये बहुत अच्छा लगा. इसका कपड़ा, फैब्रिक, कलर धोने से नहीं गया. हाँ, रुए आ गए और वो आजकल थोड़े लोकल स्टफ में तो आ ही जाते हैं, तो इतना अगर इसका प्राइस ही आपको 400 rupees की अप्रॉक्स मिल रहा है, 400 to 500, तो डेफिनेटली आप बाय कर लीजिए क्योंकि आपको ये अच्छा लगेगा. बट अगर ये 700, 800 या उससे प्लस प्राइस पे, तो मत बाय करना, अदर वो उस रेंज में तो आपको लोकल मार्केट में भी स्टफ मिल जाएगा. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, जो मुझे इसके साथ बाय करना पड़ा था. क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ ये दो फ्री गिफ्ट्स नहीं मिलेंगे, आपको उसके साथ साथ एक और प्रोडक्ट बाय करना पड़ेगा, तभी आप ये दोनों फ्री गिफ्ट्स ले सकते थे. प्लस में 130 rupees शिपिंग चार्जेस क्योंकि अब मेरा ऑर्डर प्राइस 2000 से ऊपर नहीं था. नाउ मूविंग टू द प्रोडक्ट विच आई बॉट फ्रॉम द क्लब फैक्ट्री, मैंने शीट मास्क बाय किए थे एंड इसके अंदर मुझे कुछ 50 pieces मिले थे. एग्जैक्ट प्राइसिंग आई डोंट नो, मैं मेंशन कर दूंगी सबका नीचे ही, आप देख लोगे स्क्रीन पे. कुछ IS 200+ rupees में थे एंड आई गॉट 50 sheet masks. इन शीट मास्क को यूज़ करने का तरीका क्या होता है, आप कोई भी, मैंने क्या किया था, एलोवेरा जेल का घोल बनाया था, प्लस में थोड़ा सा गुलाब जल उसमें ऐड किया था, उसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में कूल ठंडा होने के लिए रख दिया था. उसके 15 मिनट बाद उसको निकाला, उसके अंदर ये शीट मास्क रखा और कुछ 5 मिनट के अंदर अंदर वो सारा ऑब्जर्व कर लेगा. उसके बाद आप इसको ओपन करना और अपने फेस पे अप्लाई कर लेना. उसको रखना 10 मिनट, वो अच्छे से इसका सारा का सारा जेल जो भी इसमें ऑब्जर्व हुआ होगा वो आपके चेहरे पर आ जाएगा. एंड उसके बाद आप उसे हटाकर उसी से थोड़ी सी मसाज कर लेना अपने फेस की, एंड आप वो वैसे ही लगाकर सो जाना. प्लीज़ वॉश मत करना क्योंकि वो रात भर आपकी बॉडी, वो फेस को नरिश करेगा. सो इट्स रियली गुड और ये बहुत रीजनेबल प्राइस पे मिल गया था. अमेजोन पे मैंने इसका प्राइस चेक किया था, इट वॉज टू एक्सपेंसिव, तो इसीलिए मैंने अमेजोन से इसको बाय नहीं किया था. नाउ द अदर प्रोडक्ट विच आई बॉट इज दिस मैनिक्योर किट. बहुत अच्छी कॉम्पैक्ट साइज में है, इसमें काफ़ी 9 tools हैं यूज़ करने के लिए, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग विच यू आर रिक्वायर्ड. तो इसका प्राइस भी बहुत रीजनेबल था, आई गेस 256 rupees था. एग्जैक्ट प्राइस आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा एंड इट्स रियली ईजी. आप इसे कैरी कर सकते हो ट्रैवलिंग के अंदर और आप इसे अपने बैग में भी रख सकते हो, इवन आप चाहे ऑफिस जा रहे हो तब भी इसे अपने साथ कैरी कर सकते हो क्योंकि इसमें नेल कटर भी एट टाइम्स हमें होता है, थोड़ा फिनिशिंग फाइलिंग के लिए चाहिए होता है, तो दिस इज मस्ट गो टाइप. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस. एक्चुअली ये छन्नी किचन के लिए मंगवाई थी मैंने मम्मा के लिए, इसका प्राइस 44 rupees है. येस आई वॉज सेइंग राइट, सिर्फ 44 rupees में इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है. ऑलमोस्ट मुझे 20 days से ज़्यादा हो गए हैं इसे यूज़ करते हुए एंड इसके अंदर यहाँ इस तरफ देखिए आप, ये छेक है. इसे पानी, मतलब कोई भी चीज़ आपने डाली है, इसमें चावल रखे हैं, वो बिल्कुल वेस्ट नहीं होंगे, यहाँ से छन कर निकल जाएंगे और चावल इसी में रह जाएंगे. सो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इवन लोकल मार्केट में भी इसका प्राइस 44 से ज़्यादा ही हाई होगा,
तो मुझे ये बहुत सही लगा. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच आई एब्सोल्युटली लव. आई मीन आई एम अ बिग फैन ऑफ दिस फेस वाइप्स, यू कैन सी दैट. बेसिकली ये ड्राई वाइप्स हैं. आप कोई भी मेकअप रिमूवर कह सक इस पर लगाकर अपने चेहरे पर लगाइए, एकदम क्लीन कर देगा. एक ही आपके लिए काफ़ी है. ये कुछ 47 rupees में मुझे 100 मिले थे और अब तो इसका प्राइस काफ़ी हाई हो गया है. मैंने ये सोच कर कि यार ये बहुत अच्छे हैं, मैंने बहुत तरह के अलग अलग मंगवा लिए थे कॉटन्स कि लेट ट्राई कि भैया कैसी आती है. पर कुछ एक्सपेरिमेंट गलत हो जाते हैं और बहुत बुरे डिजास्टर्स में भी बदल जाते हैं, तो मेरे पास दोनों एक्सपीरियंस हैं. ये बहुत अच्छा था. ये कुछ 100 rupees में 1000s थे और ये इतने बेकार हैं. मतलब ऐसा लगता है ये क्या है, मैं बता नहीं सकती. आई जस्ट हेट इट. ना मैं इसे अपने नेल पॉलिश, ये बेसिकली नेल रिमूवर के लिए थे, नेल पॉलिश रिमूविंग के लिए थे वाइप्स. इतने गंदे. एक के बारे में यूज़ भी नहीं हो रहे थे. मतलब एक लगाने पे ऐसा लगता पूरा वेट हो गया और ट्रांसपेरेंट बन गया और कोई पर्पस का नहीं. दो तीन को एक साथ रख कर जब मैंने रब किया तो जाके वो मेरी नेल पॉलिश रिमूव हुई. बिल्कुल अच्छे नहीं है. फेस पर तो आप लगाने का सोच भी नहीं सकते इसे, इतने बकवास थे. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट प्रोडक्ट. एक्चुअली ये एक बॉक्स में आए थे. बेसिकली ये भी वही मेकअप रिमूव करने के लिए, यूज़ करने के लिए थे. इनकी क्वालिटी वो नेल पॉलिश रिमूवर करने वालों से फार बेटर थी, बट हाँ डेफिनेटली उतनी वर्थ की नहीं थी जितने अच्छे ये थे. ये एक्चुअली बहुत अच्छे थे. खैर इसका प्राइस भी लाइक 200 something था और उसमें मुझे ये 900 pieces मिले थे, तो ये ओके हैं. मतलब ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, बट ये वाले पे मत जाना. बहुत ज़्यादा सस्ता ज़रूरी नहीं अच्छा हो, वो बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी भी हो सकता है. तो वो मेरे लिए बेकार बाय था. नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ दिस शूज़. एक्चुअली मैंने अपनी फर्स्ट हॉल में भी यही बताया था कि मैंने जब फ्री मुझे प्रोडक्ट्स मिले थे तो मेरी सिस्टर ने भी अपनी आईडी से ऑर्डर डाला था. ऐसे ही जब फ्री चीज़ें मिल रही होती है ना, मेरी सिस्टर भी बहुत एक्टिव हो जाती है. उसने ये जूते लिए थे और ये ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि ना इनमें प्रॉब्लम क्या आती है, जब आप इन्हें अपने पैरों में पहन रहे होते हो ना तो बांधते हो तो वो अच्छे से फिट नहीं होते, थोड़ा सा यहाँ से लूज़ रह रहा होता है. तो आपको इनको स्टाइल ही ऐसा करना पड़ेगा कि थोड़ा जींस को इसके अंदर रखकर एंड देन शूज़ थोड़े आउटर साइड पे रहेंगे एंड थोड़ा सा वो स्पेस तो इनमें दिखेगा. तो ये शूज़ ओके हैं, वैसे क्वालिटी ठीक है, बट हाँ ऊपर से अगर ये प्रॉब्लम नहीं होती तो मैं कहती ये बहुत अच्छे शूज़ हैं. और उसने भी एक और प्रोडक्ट, जैसे दो फ्री मिल रहे थे तो एक के साथ एक फ्री उसको भी लेना था, एंड उसने ही बॉटल बाय की थी. एंड बेसिकली क्या होता है कि डिटॉक्स वाटर अगर आपको बनाना हो तो आप इसमें बना सकते हो. ये फैसिलिटी इसमें बहुत अच्छी है और यहाँ से आप सिप करके पी सकते हैं. इसकी क्वालिटी अच्छी है एंड अगर आपको ये बाय करने में 100 rupees के आसपास भी मिल रही है तो अच्छा है ये प्रोडक्ट, यू कैन बाय इट. सो ये थी मेरी छोटी और स्वीट सी हॉल क्लब फैक्ट्री की. आई होप सो यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस चैनल, सब्सक्राइब इट, एंड प्लीज कमेंट बिलो कि आप फ्यूचर में किस टाइप की वीडियोज और देखना चाहते हो. थैंक यू, टेक केयर, बाय.